सिंधु असेंबली जे इजलास में अॼु उन वक़्तु सूरत हाल दिलचस्प थी वई जॾहिं फिरदौस शमीम नकवी जज़्बाती तकरीर कंदे ओचितो पंहिंजी टोपी लाहे हेठि रखी जैकेट लाथी ऐं शेरवानी लाहिण शुरू कई। पीटीआई जे औरतुनि समेत समूरा मेंबर मुरकंदा रहिया ऐं स्पीकर बि हैरान थियो ऐं पोइ खेसि रोकण जी कोशिश कई। आज की तकरीब जो है वो दिल से है, मेरी तहजीब ये कहती है जब 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 मसाइब का जिक्र हो, जब मसाइब का जिक्र हो तो टोपी उतार के जिक्र करते हैं। जब हम जब आप आपको अगर इसकी अब जब आपको इसका प्रूफ चाहिए हो और जब आपको इस टोपी उतारना तो बुरी जी, बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। टोपी नहीं उतारूंगा, सिर्फ टोपी नहीं उतारूंगा, सिर्फ शेरवानी भी उतारूंगा, और सिर्फ शेरवानी नहीं उतारूंगा साहब, मैं सिर्फ शेरवानी नहीं उतारूंगा, मैं गले लेडी भी खोलूंगा, मैं गले का चाक भी खोलूंगा। फिरदौस शमीम जे शेरवानी लाहिण ते पीपुल्स पार्टीअ जे औरतुनि तोड़े ॿियनि मेंबर्स सख़्तु एहतजाज कयो। इन विच में स्पीकर आगा सिराज दुरानीअ जा दिलचस्प गुफ़्ता जारी रहिया। आगा सिराज दुरानी चयो त जतोई ऐं वसाण साहब अमरीका में अहिड़ियूं क्लब्स घुमी आया आहिनि जिते इहो कमु थींदो आहे। स्पीकर जे इन्हनि गुफ़्तनि ते फरियाल टालपुर ऐं ॿियनि जा टहक निकिरी विया ऐं हू देरि ताईं खिलंदा रहिया। उनको गर्मी लगी थी, उन्होंने टोपी उतार दी, फिर ज्यादा गर्मी लगी तो जैकेट उतार शेरवानी उतार दी। अब यहाँ पे लेडीज बैठी हुई है तो ये तो जतोई साहब ने क्लब्स में देखा है, अमेरिका में और लंदन में क्लब्स में वो जाते हैं, वहां ये चीजें देखते रहे, यहाँ कहाँ होता है। वसान साहब ने ये चीजें देखी है इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। जी बोले आप सर, अगर इजाजत हो बोले ना, अभी कपड़े तो ना उतारे। मैं अपने बरादरान मोहतरम और मेरी बहनों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे खानदान की तहजीब तो यही मुझे सिखाती है। कपड़े उतार दो फिरदौस शमीम नकवी वज़ाहत कंदे चयो त असांजे वॾनि जी रिवायत आहे त करबला जे शहीदनि जा मसाइब बयानु करण वक़्तु टोपी ऐं शेरवानी लाहींदा आहियूं, तव्हां उन खे ग़लति रंग न ॾियो। यहां एक सैयदा बैठी है, यहां एक सैयदा बैठी है, वो गवाही देंगी। ये नासिर हुसैन शाह बैठे हैं, वो गवाही देंगे कि जब हम गम की बात करते हैं तो हम सर पे से टोपी उतार के रखते हैं। जब हम मुहर्रम में जाते हैं तो हम अपने बाहें ऊपर कर देते हैं, गले को खोल के जुलूस में जाते हैं। मैं कपड़े नहीं उतार रहा, ये मेरी तहजीब है, ये मेरी तहजीब है। नासिर भाई समझाओ इनको, ये सैयदों का किरदार है, तुम समझाओ सरदार। देखे आपस में बात ना करें, ये मैं सिंध के गरीबों का साथ देना चाहता हूं उनकी गम की दास्तान सुनाने के लिए। आपको इतराज है? पीपुल्स पार्टी जे एमपीए इमदाद पिताफी फिरदौस शमीम ते सख़्त तनक़ीद कंदे चयो त जॾहिं फरह गोगी मुल्क लुटे रही हुई उन वक़्त कपड़ा लाहियो हा त तव्हांखे सलाम कयां हा। और जिस तरह आज साईं ने टोपी उतारी और शेरवानी उतारी, अगर अगर ये जब गोगी और गोगा मुल्क लूट रहे थे, जब घड़ियां बेची जा रही थी, ये उतारता तो मैं इसकी सीट पे जाके सलाम करता, मैं इसकी सीट पे जाके। सर ये तरीका नहीं होता सर, यहां बहने माए और पूरा मुल्क इस ऐवान को देख रहा है और इस ऐवान की इज्जत और एहतराम है। ये जो जिस गरीबी का रोना रो रहा था वो इनकी नाहली है। इनके लीडर ने बोला था कि अगर मैं आईएमएफ के पास जाऊं तो खुद को गोली मार दूंगा, उसी वक्त अगर गोली मार देता तो ये मुल्क इस महंगाई से बच जाती, ये मुल्क इस मुसीबत में ना पड़ता। ये ड्रामे करना, ये इस तरह की बातें करना,
जो बंदा यूसी नहीं जीत सकता वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अवाम अवाम सिंध की अवाम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। पीपुल्स पार्टी की एमपीए शर्मिला फारूकी इंतहाई सख्त बोली इस्तेमाल कंदे फिरदौस शमीम के चयो त तवांखे शेरवानी लाहणी आहे त पांजे घर जे औरतुन जे सामू वणी लायो। मैं नमाज पढ़ने गई थी तो उन्होंने मुझे पुकारा था कि मैं अपनी स्पीच करके चली गई, लेकिन सर मेरा ऑब्जेक्शन इस वक्त ये है, इस हाउस का एक डेकोरम है, यहाँ पर खवातीन बैठी हैं, हम में से बहुत सारी खवातीन या माएँ हैं, बहनें, किसी की बीवियाँ हैं, इस तरीके से यहाँ कपड़े उतारना ये गैर मुनासिब है। आई एम गोइंग टू ऑब्जेक्ट टू दिस। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शमीम साहब क्या अपने घर में अपनी बेटी के सामने कपड़े उतारते हैं, अपनी बहन के सामने कपड़े उतारते हैं? मतलब वेरी अनडिग्निफाइड अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर सर, ये इस तरह की ये दिस इज नो पब्लिक स्पीकिंग। इनको अपनी शेरवानी उतारनी है तो ये घर में जाके अपनी बेटी के सामने उतारें, अपनी बहन के सामने उतारें, अपनी बीवी के सामने उतारें। प्लीज प्लीज सिट डाउन, ये जगह नहीं है शेरवानी उतारने के लिए। शर्मिला साहब प्लीज। शर्मिला फारूकी की तनकीद जारी हुई तो स्पीकर संदस माइक बंद कर छोड़ो।